पीछे जो ये आप शोर देख रहे हैं ना, ये आ रहा है गैराटी स्टेडियम से, जो कि है नोएडा सेक्टर 152 के पास, है ना। और सुबह सुबह ही हम निकल गए थे यहाँ के लिए, एक मैच तो जीत चुके हैं और यहाँ पे जो चल रहा है, देखिए पीछे कितना ही सही ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि सबको नहीं बताना चाहता कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, बट देन पूरी टीम आई हुई, अभी दिखाता हूँ आपको। So we are qualified for the semi-final and next Sunday we will be playing, let's see which semi-final, yes, or maybe finals as well, yes, है ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, मतलब एंथुजियाज़म बहुत ही अच्छा है लोगों का, एकदम मस्ती से। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रेगुलर क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। yes. और ये जो स्टेडियम है, ये इसके चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट है, खेत ही खेत है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे खेत भी हैं। लॉट ऑफ ग्रीनरी यू जस्ट कैन सी हियर, ATS के बिल्कुल बगल में है ये, और अच्छा लग रहा है मुझे। अभी जाते जाते ना थोड़ा मतलब ये सरसों के खेतों में ना थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह भी लेंगे, ढोल वाले बिठा रखे हैं, और जब भी कुछ होता है अभी। हाँ बिल्कुल, क्या हुआ है कि मतलब लेडी गई हैं लड़की के लिए, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको 360 व्यू दिखाऊंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी हो रहा है तो भाई ओए ओए ओए। अच्छा, उधर पीछे आप देख रहे होंगे गर्ल्स कहीं नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना और ज़्यादा उनको, क्योंकि आता जाता तो है नहीं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि थोड़ा सा मोरल हाई करने के लिए होता है। मतलब वन कितने ओवर का होता है गर्ल्स का, 8+1 ओवर का है, एक जो 1 ओवर है वो गर्ल्स के लिए, वो पूरा कर लिया इन्होंने और आ रहे हैं। तो भाई सही, इधर देखते हैं, खिली हुई धूप में तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। बैटिंग पे नाच गाना करते हुए सभी। सब डांस कर रहे हैं भाई। सुंदर नज़ारे यहाँ के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। गेहूं के खेत हैं इधर, और ये भैया तो भाई ये देखिए अपना डांस वांस करते हुए लोग। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, पक्का होते ही भैया यहाँ तो सब डांस वांस करने लगते हैं। गुड गुड, मैच हो गया भैया, गया बंदा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर कौन जा रहा है? मानसू आप चला जाए, मानसू आप ही हो सर। बंदा हलाल, कचरा भी बहुत बढ़िया, मजे कर रहे हैं सभी। हाँ जी, तो बैटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब जो है वो फील्डिंग की बारी है हमारी टीम की। देखते हैं कि फील्डिंग में क्या कमाल कर पाते हैं। तो अभी फीमेल बॉलिंग कर रही हैं, कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे तो बड़ी हंसी आई। आराम आराम से बॉल कह रही हूँ, अभी आऊँ। बट अच्छा लग रहा है मुझे तो, आना जो है ना सार्थक हो गया यहाँ पे। वो लड़की ऐसे कड़ियाँ पकड़ के जैसे कि
जो रोगी अमन भावे वो वैदा फरमावे वो वाला हाल है यहाँ पे। बहुत अच्छा, तो ओवर ख़त्म हो गया। गर्ल्स के लिए एक ओवर रखा हुआ था, एक ओवर था ना शायद। तो वो बैटिंग पर क्यों जा रही है वो लड़की? ओवर ओवर ख़त्म नहीं हुआ जावेद? कितने ओवर थे गर्ल्स के लिए जावेद? हाँ। कितने ओवर थे? एक एक ही ओवर। ठीक है, बोल्ड हो गया है और टीम आ गया, तो यहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही है। चलो कुछ तो अच्छा किया। गुड गुड। तो बहुत ही ज़्यादा अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनती जा रही है। दो ओवर में 23 रन्स चाहिए, देखते हैं कैसे कर पाती है ऑपोजिशन की टीम। तो हमारी टीम जो है वो नहीं जीत पाई, बट देन कोई बात नहीं। फाइनल में पहुंच गए, क्योंकि जिनसे पहले मैच था उनका क्या हुआ कि उन्होंने दोनों मैच हारा दिए, तो हमारी टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई। 29 को सेमीफाइनल है। बहुत ही सुंदर ग्राउंड है ये। दरअसल इसके आसपास का माहौल इतना अच्छा है ना कि अच्छा लग रहा है सब देखते हुए। बहुत बढ़िया। ये सारी ट्रॉफीज हैं, जो जीतेंगे उनको मिलेंगी। बहुत ही बढ़िया, चैंपियंस प्रीमियर लीग, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है मेरे ख्याल से, कोई प्राइज वाइज। मैच खेलने के बाद हम निकल चुके हैं घर की तरफ। पुनीत जा रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, पता है ये अंबाला से है ना, जगाधरी, वहां से आए हैं ये मैच खेलने के लिए सर, है ना। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, वहां की चीजें दिखाते हैं आपको। मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, अधूरा हो के भी है इश्क मेरा काम तेरे बिना गुजारा, दिल है मुश्किल माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है, तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर, मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, कमी तेरा से तो आसमां में आ मिल तेरे बिना गुजरा, ए दिल है मुश्किल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरी रिक्वेस्ट पे पुनीत ने ये सॉन्ग गाया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा भाई। आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। मौसम बदल चुका है, ठंड जो है वो पहले से आधी हो चुकी है, तो सुबह उठने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी।
और यहाँ देखिए मैं अकेली, आज मेरी देवरानी जो है जा चुकी हैं मायके अपने। मायके जब निकल रही थी उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा। एक्चुअली जाने के टाइम ना इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई कि समझ ही नहीं पाए कि कब रिकॉर्डिंग करें वगैरह। छोटी बहन आई थी तो दीदी के व्लॉग में आप सब देखिएगा, वो आई थी तो दीदी ने हाय हेलो कराया था शिखा से। मैं व्लॉगिंग ही नहीं कर पाई क्योंकि ये जो है चले गए थे और मेरे को याद ही नहीं रहता है कि मेरे पास भी फोन है, मैं अपने फोन से भी व्लॉगिंग कर सकती हूँ। भाई मेरा क्या हुआ था कि मैंने सोचा था कि शिखा आएगी, हंसी मजाक हम लोग बहुत सारा करेंगे डालेंगे, बट देन वो लोग मेरे, मतलब मैं उधर गया था और उससे पहले ही निकल गए। जो है ना वो निकल गई, उन्हें थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि लेट हो जाएगा ना, तो भैया को दिक्कत हो जाएगी, भैया सारा दिन थक के आएंगे, तो इस वजह से वो दोनों अपना बउआ के साथ निकल गए। चकोर गया था, अच्छा बउआ और चकोर गए थे, चकोर थोड़ा आगे तक गया था और हाँ। बउआ बिहारी हमारे जो है अपनी साली साहिबा को प्यार से छोड़ने गए। हाँ, बढ़िया। हाँ। तो फिर मैं तो उधर मैच में ही रह गया, आए तो हमने बहुत ज्यादा कुछ किया ही नहीं। ये देखो बातों बातों में पराठे ठंडे हो रहे हैं, मैं दिखाती हूँ किसके लिए लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दिखाओ भाई। तो हमारे घर आई हुई है, ये देखिए हमारे घर आई हुई है कुक एंड ब्लॉग विद झाकी मिस मधु। और कुकिंग नहीं हो रही है, खाना हो रहा है खाली। नाश्ते में दिया जा रहा है दीदी को आलू टमाटर की सब्जी। आलू टमाटर और दीदी ने मुझे बोला आलू हटा लो, मैं रचेगा ही क्या, ये आलू टमाटर उनका सारा आलू हटा लो गोभी डाल दो। मैंने कहा दीदी आलू टमाटर में से आलू हटा दो तो आपको क्या दूं गोभी, जबकि इतनी हरी सब्जी है। पसंद बिल्कुल नहीं, जबकि इतनी हरी सब्जी है तो नहीं, फिर भी आलू पराठे के साथ है ना बनाए हैं। तो नाश्ता करो भाई जल्दी जल्दी दीदी, है ना ठंडा हो जाएगा, बहन बाद में एडिटिंग कर लेना। कल दीदी यही थी, अभी यही है, अभी जीजा जी हैं नहीं, गए हुए हैं हरिद्वार, तो जब तक वो नहीं आते हैं तब तक दीदी आराम से आराम फरमाएंगी। जीजा जी से आराम, जीजा जी को भेजा जाएगा उनकी नानी के यहाँ। नहीं, कहने का मतलब है बाहर है नहीं, जब तक नानी के काम है शायद वहीं पे रहे। अच्छा। तो और रहना भी चाहिए क्योंकि नहीं मम्मी वही है ना, मेरी मदर इन लॉ वही है, तो उनका मन भी वही लगा है। और आज हो सके तो मैं भी जाऊँ, मेरा भी मन कर रहा है जाने का, सही तो देखते है जाते हैं। कितना दवाई की पोटली लेके कहाँ कहाँ जाएगी बहन, है ना, क्या तो इसलिए सर जिया जी को आराम से यहाँ पे और खा पी मस्त मार मस्ती मार रहे। छोटी की याद में दीदी छोटी के कमरे में है, बच्चा भी चला जाता है ना तो ऐसा लगता है सुन। बिल्कुल। तो फिर कह रही थी की आहा चल जैसी तैयो है ना लोगे, तो आहा तो दियो पता की लो जैसी तो आरो बेकार बेकार लगता रहता है। दूसरी बात ये है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं ये रहती है तो बच्चों की भी कमी, अपना हंसते बोलते वो थोड़ा अभी शांत है। हाँ। वो अपना काम वो काम करके अपना मस्त रहती है, अपना उसको सोना होता है, वो ज्यादा फालतू नहीं बोलती है। दीदी वो नहीं है तो बैठ का खाना मैं ही दूंगी। नहीं 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 आप भूल गई, बोलो तो बोलना ही नहीं आता, बोलो तारीफ करो। ये तो इतना मतलब अच्छी वो है, है। मेरे को कल भी बोली थी इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, मैंने कहा दीदी अच्छा है दिमाग नहीं है क्योंकि मैं दिल से काम लेती हूँ, दिमाग वाले तो बस घुमा देते हैं, क्यों दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। आज मार्केट में निकलेंगे थोड़ा। हाँ चलेंगे इसी बहाने, अब पराठा इसी बहाने गोलगप्पे भी खाएंगे। ब्रश भी नहीं किया है, जाने मार्केट में ब्रश नहीं करते हैं, शेर मुंह नहीं धोते हैं दीदी, दो मिनट धो लेते हैं। अच्छा मैं आपको केशव वाला ज्ञान देती हूँ। केशव कहते हैं मैडम ने बोला है कि ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए सब कुछ, तो क्योंकि रात को ब्रश करके सोते हो। हम तो इतने ब्रश ले लिए का उठे छे ना बच्चे, किसी एक मैम ने कभी कह दिया होगा कर लो, कोई मजाक में भी कह दिया होगा तो बस केशव ने मेरे क्या फंडा अपनाया कि मेरी मैम ने बोला खा के ब्रश कर दो। अगर मैम देख रही होगी तो आप जरूर केशव को पिटाई कर देना। आज केशव बहुत बीमार था, सुबह दवाई खा के गया स्कूल।
और रो रो के सुबह 6 बजे रो के उठा, बुआ उठी, मैं उठी, बहुत उसका शिकायत किया। ये वापस उसको ये पता नहीं कनपेड़ हो गया। हाँ, बाहर जाएगा हवा में तो यही होगा ना दीदी, ठंड से होता है, वो हीरो बनता रहता है कि मेरे को ठंड नहीं लग रही। एक बार भी टोपी नहीं पहनी उसने पूरी सर्दी, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। आज 3 टोपी पहन के गया, 3 मेरे बाल, फिर ऊपर से टोपी, फिर जैकेट की टोपी। गोलू भाई जी जरा इसको कस के बांध देना जब दुख हो। और वहाँ पे भी रोएगा मैडम, मैंने कहा अगर जरूरत पड़े तो खा। स्कूल ऐसा है ना उसका, सच में बीच से लाने दीदी, ठंडा हो रहा है, आप पहले फटाफट लाने देंगे तो फिर वही क्यों करेंगे। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मैंने कल भी की थी तो, और थोड़ी सी ये हो गई, तो आज जो है ना ये व्लॉग डाल दीजिए, इस व्लॉग को यहीं एंड कर दीजिए। और फिर हम दोनों जो है भाभी ननद क्या मस्ती करते हैं, काम निपटा के क्या यहाँ से टाइम निकालेंगे, क्या करेंगे, सब दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे भी, फॉलो करिए अनीता ठाकुर 1032 द रियल अंडरस्कोर अवनीश, है ना। कोशिश करूंगी कि वहाँ पे भी मैं रील्स डालूं, मैंने डाली ये तो अजीब ही औरत है, अजीब ही औरत कुछ अपना मैंने कहा कि तुम तो डाल दिया करो, मैं बिजी रहता हूँ, डालती ही नहीं है। पता क्या होता है, हम लोग सोचते हैं रेडी हो, ये जैसे हो वैसे में ही डाल दो। हाँ। सही में बना लेंगे, फिल्टर कब काम आएंगे। ठीक है, चलो तरफ से बाय बाय, बाय फोन जो लिया है, ठीक है, तो फिल्टर काम आना चाहिए ना भाई। चल बहन, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राधे राधे।